just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हमारे पास है वीवो का Y21 और इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं कैसे इस फोन में आप रिंगटोन की सेटिंग कर सकते हैं, कैसे आप रिंगटोन पे गाना वगैरह लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं। सब कुछ आपको जाना है तो चलना होगा फ्रेंड्स उसके लिए सेटिंग में। सेटिंग को आप अपनी ओपन कीजिए और यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको हल्का सा स्क्रॉल करना होगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे साउंड का एक ऑप्शन, इस पर आपको आ जाना है। इस पर आने को फ्रेंड्स आप मीडियो वॉल्यूम वगैरह और रिंगटोन वॉल्यूम वगैरह यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर फ्रेंड्स आप इस फोन में अपने वाइब्रेशन को चालू कराना चाहते हैं तो इस वाले फीचर को इनेबल करा के अपने वाइब्रेट मोटर को चालू करा सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं कैसे रिंगटोन की आप सेटिंग कर सकते हैं, कैसे रिंगटोन को आपको चेंज करना है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा फोन रिंगटोन, इस पर आपको क्लिक करना होता है तो आपकी जो भी फोन की रिंगटोन वगैरह होती है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने फाइल मैनेजर में से अगर रिंगटोन लगानी है तो आपको कस्टम रिंगटोन पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने फ्रेंड्स आपके फोन में जो भी गाने वगैरह होंगे या फिर जो भी रिंगटोन वगैरह होंगे जो कि आपने डाउनलोड की हुई है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। तो सिंपल आपको इस तरीके से इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से बैक कर देना होगा तो आपकी वो रिंगटोन यहाँ पे सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं, फाइल मैनेजर से आप लगा सकते हैं। अगर आपको मैसेज रिंगटोन वगैरह चेंज करनी है तो इस पर क्लिक कीजिए और आपको फाइल मैनेजर से लगानी है तो यहाँ पे आ जाइए। अब आपको फिर से वही रिंगटोन सर्च करनी है और इस तरीके से क्लिक करके आपको यहाँ से बैक कर देना तो आपकी वो रिंगटोन इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी नोटिफिकेशन के लिए। इसी तरीके से नोटिफिकेशन और अलार्म वगैरह की जो भी रिंगटोन आप बंद चालू करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे आने के बाद आप बंद वगैरह करा सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको अदर साउंड वगैरह की नोटिफिकेशन हुए हैं वो सब आप चालू बंद यहाँ पर करा सकते हैं। जैसे कि आपको डायल पे टून बंद करनी है तो यहाँ से आने के बाद इसको डिसेबल करा के इसको बंद कर सकते हैं। स्क्रीन लॉक साउंड है वो बंद करना चाहते हैं यहाँ से आने के बाद वो भी बंद कर सकते हैं। चार्जिंग साउंड और आपकी जो टच साउंड है इसको आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आकर इसको ओपन भी करा सकते हैं। मैसेज सेंड होने के बाद साउंड आप चाहते तो वो इस तरीके से इसको क्लिक करा के चालू कर सकते हैं। और आपको जो बैक बटन है इसको प्रेस करते हैं, नीचे आपको बटन्स होते हैं आपको ये प्रेस करने पे आपका वाइब्रेट हो फोन तो इसको इनेबल करा के आप यहाँ पे वाइब्रेट इसको इस तरीके से करा सकते हैं। फ्रेंड्स आप ये सब सेटिंग करके अपनी रिंगटोन को बहुत आसानी से लगा सकते हैं, रिंगटोन सेटिंग आप कर पाते हैं। आई होप दोस्तों आपको भी अच्छा लगा वीडियो में जान के कैसे आप फोन में रिंगटोन लगा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको काफी अच्छी लगी, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।